गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा हो चुका है 10वां रोज़ा। अब गुड मॉर्निंग कहूँ या गुड नाइट, क्योंकि हम सोए नहीं हैं आज भी। और जो है देखो, 4:12 ऐसे ही हो चुके हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना यार, कल संडे भी है तो अब सहरी करके ही सोएंगे आराम से, और फिर उठेंगे मतलब 11-12 बजे के आसपास। चलो ये भी ठीक है, बिकॉज़ कल संडे है, वर्किंग डे नहीं है। तो यास्मीन नीचे जा चुकी है ऑलरेडी, और उसने स्टार्ट कर दिया है सहरी का जो भी होता है, पराठे वगैरह बनाना। और मैं भी नीचे जा रहा हूँ, देखते हैं कि आज यास्मीन क्या बना रही है खाने के अंदर। ये लीजिए भाई, ये हमारा बढ़िया सा बनाया हुआ मटन मम्मी के हाथों का, और ये यास्मीन के हाथों का बढ़िया सा लजीज पराठा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सहरी भी कंप्लीट हो चुकी है, और टाइम कितना हो गया, बस 5 मिनट फोर बचे हैं। फोर्टी फाइव हो चुके हैं, मतलब 5 मिनट बचे हैं सिर्फ सहरी के। और मैंने जस्ट अभी चाय पी है, जैस्मिन चाय नहीं पीती है बिल्कुल भी। तो ये देखो, ये दूध और सेवैया खा रही है। मुजाफिर, है सच में इसको मुजाफिर मुसाफिर, वो तुमने बोला यार, ये मुजम्मिल मुजाफिर कौन आ गया? ये जो है सेवैया खा रही दूध के साथ में, इसको कहते पसंद है बहुत ज़्यादा ये। स्वाद। स्वाद मैंने भी खाई है, बट मैंने विदाउट दूध की खाई है अभी। तो देखो आवाज़ आ गई हमारे, पता है मतलब कैसे बोलते हैं? ऐसे नहीं बोलते कि मोहतरम हजरात मतलब सहरी कर लो, वो बोलते हैं हाँ जी सहरी कर लो, और जो है ना इतना टाइम बचा है जल्दी कर लो फटाफट, अजान होने वाली है, इस तरह से बोलते हैं। अपन खा लेते हैं जल्दी जल्दी, बहुत टाइम सच में टाइम नहीं है। एक गलत क्या देखा, टाइम सिर्फ 3 मिनट खा लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खा लोगी, आराम से खाओ शांति से। पानी की बोतल है हमारे पास, आप नहीं खाएंगे? नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे थोड़ी खाली सी पानी की आगे। जरूरत। देखा आ गई आवाज हाँ जी की, ये देख लो सुन लो। खाना पीना बंद करो, बंद करो, देखो पानी पीना बाकी है अभी। मौली साहब ने एक बार रुक जाओ, से पहले ना अरे बोल ले दो ने। रुक जाओ रुक जाओ, पानी पीने दो। अरे सुना नहीं हमने, पानी पीने दो चाचा। नहीं पहले बचपन में ऐसा होता था, मौली साहब ऐसे ऐलान लगाते थे ना, तो हम कहते थे नहीं नहीं हमारी मस्जिद का नहीं है, दूसरी मस्जिद का ऐलान हाँ, हो रहा लेकिन है। अभी तो सामने ही मस्जिद है, कहाँ पर झूठ लोगे। और देखो आई सेड ना कि हाँ जी बोलते हैं, देखो तुम्हारे सामने तुमने सुना होगा हाँ जी से स्टार्ट किया इन्होंने, अच्छा लगता है पंजाब से यार, ये लुधियाना से। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। चलो फटाफट जा रहा हूँ मैं, क्योंकि पानी पीना है बहुत अल्लाह, सारा। इन्होंने मुझे आज तक ये कह रखा था कि पंजाब से है, मैं मजाक समझती मजाक थी। की बात है, तो आधा बोतल ये पिएगी, आधी बोतल मैं पीऊंगा। तो फिर टंकी भरते हैं फटाफट फटाफट, क्योंकि देखो वो मोल साहब वरना कूटेंगे आगे घरों को, ठीक है ना। बाय। चलिए भाई, तो ये है निन्ना, यासीन और मम्मी, तीनों कुछ ना कुछ बना रही हैं। ये देखो निन्ना शायद कुछ, हाँ मेरे ख्याल जी, से निन्ना बाजी पकोड़े बना रही, पकोड़े पहली बना बार रही वीडियो हैं। में आ रही है। नहीं पहली बार नहीं आ रही है, बहुत बार आई हैं। ऐसे रमजान व्लॉग तो हाँ, पहली बार रमजान बना व्लॉग के में ये जा जो रही है। सीरीज है उसमें पहली बार आ रही हैं। और अभी देखो इनका मतलब आई थिंक पहला रोजा ही लोग अभी घर के अंदर खोलने के लिए आ रहे हैं। तो निन्ना अभी आ चुकी है, और जो बड़ी बहन है अप्पी वो अभी आने वाली है, जिनका वो जो बेटा है मजर। कैसे आप क्या बना रही हो अभी? कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड। तो ये कस्टर्ड की जिम्मेदारी इनकी है, और आई थिंक मम्मी क्या बना रही है, मम्मा बना रही नहारी। मम्मी नहारी बना रही है मेरी अभी, मम्मा अभी देखो कुछ ना कुछ कर रही है वो। फुल प्रिपरेशन नहारी। तो मम्मी नहारी इसमें बन जाएगी छोटे से के अंदर? नहीं ये बॉयल हो रहा है, इसको बॉयल को बना के आधा करके फिर बड़े वाले में डाल देंगे। अच्छा चलो बड़े वाले में डाल देंगे भाई। टाइम सुन लो, टाइम अभी 4 बज रहे हैं देखो अभी, तो ये 4 घंटे पहले सब लोग लग चुकी हैं, और मुझे लग रहा है कुछ बढ़िया ही बनाने वाली हैं जी, एक्सट्रीम बढ़िया। क्यों हो रहा है? हाँ बिकॉज ऑफ क्यों हो रहा है बताऊंगा मैं अभी आपको अच्छे से। और अभी हम सब लोग अप्पी का वेट कर रहे हैं, अभी अप्पी आ जाएगी, अप्पी को भी एक काम देंगे। अप्पी बताएगी क्यों अभी डाली मेरी डाली है ना, खजूर और वो दिल्ली और गुड़ अच्छी ना है, और ये लाल मिर्ची भी है, काली मिर्ची पाउडर भी। ये देखो भाई अप्पी आ गई, शीजा को हमने ले लिया है पहले। आ जाओ आ जाओ दो भाई, ये आ गए हमारे घर के सारे बच्चे। अब उधम होगा वो तगड़ा वाला, ये शीजा, ये है मच्छू, ये है अदीबा। अदीबा हाय बोल दो। हाय, हाय। कैसे हैं आप? हाँ कैसे? अच्छे हैं। अच्छे।
मैं दीबा बोल दो अदीबा। अब होगा उधम बहुत तेज वाला पूरे घर के अंदर। देखो ये देखो भाई छोले बन चुके हैं बढ़िया से इफ्तारी के लिए, ये बनाए हैं निन्ना ने। और ये देखो अपनी शेजा आ चुकी है। शेजा आप क्या खाओगी या कुछ बनाओगी क्या? इसमें कर सारे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, रोज पास आते आते सारे बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं कुछ खाने के लिए। इसको निकालते हैं, ये देखो मम्मी की नारी बन रही भाई बहुत बढ़िया। ये नारी में जो रोहन आ जाता है ना, इसको हम निकाल लेते हैं, इसको बर्तन में ट्रांसफर करके और इसमें ना नारी मसाला डालेंगे ना तो सारा रोहन हो जाएगा, फिर जब ये पक जाएगी ना ऊपर से इसको डालेंगे। पॉइंट पॉइंट नोटेड मम्मी। तो सारा रोगन निकाल के ये पूरा जो भी बनाया है इसे यहाँ ट्रांसफर करेंगी और फिर जो रियल चीज बनेगी वही बड़े वाले टेक्सचर में बनेगी। देख लो भाई चलो दिखाओ कैसे बना रही हो आप। ओके लो भाई डल गया हमारा नारी का मसाला बढ़िया, और अब बनेगी असली नारी है मम्मी। अब देखता बड़ा हो गया। वेरी गुड। ये दही डल गया मम्मी का। हम एक अलग से व्लॉग बनाएंगे सिर्फ खाने का रहेगा वो, और वो बहुत जल्द रहेगा तो उसके अंदर आपको पूरा देखने को मिलेगा भाई किस तरह से क्या डल रहा है कितनी मात्रा में डल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे शेयर करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई आज इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं राइट, और इतनी सारी चीज़ें क्यों बन रही है। तो आज मैं बता दूँ आपको कि आज यास्मीन की ईदी आ रही है और आज उनके सारे घर वाले आ रहे हैं, तो हम लोग सब साथ में इंशाल्लाह इफ्तार करेंगे और साथ में ही डिनर भी करेंगे, इसीलिए उनके घर वाले आ रहे हैं और जो है मेरी बहनें ऑलरेडी आ चुकी हैं, और इसीलिए मतलब निन्ना भी किचन के अंदर है और मम्मी भी किचन के अंदर हैं, यासमीन वहीं पर हैं, और ये लोग भाई 3:30 और 4 बजे से मतलब लगी हुई हैं लगातार, तो इसीलिए आज इफ्तार की बहुत सारी तैयारी करनी है और डिनर की भी करनी है, तो आज सब लोग वहीं पर लगे हुए हैं। और अभी देखो टाइम 5:22 हो चुके हैं और आपको हम मिलते हैं एग्जैक्ट 6 बजे, तब मैं दिखाऊंगा आपको कि नीचे क्या क्या और बन चुका है और क्या क्या और बनना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह से आज रमज़ान day 10 हो चुका है और आज मम्मी लोग आ रहे हैं मेरी ईदी लेके। जिन लोगों को नहीं पता है हम लोगों के यहाँ पे शायद वो लोग आते हैं क्या, देखो वो सब लोग आ गए, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए सब लोग आ चुके हैं। मम्मी व्लॉग में हाय बोल दो। हेलो। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। चलिए नीचे चलते हैं मम्मी पापा से मिलते हैं। लड़का खुश। हाँ ठीक है भाई ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये क्या लगी होती सारी चीजें? आदिल बहुत ध्यान से। परफेक्ट होगा सब। ये देखो भाई स्पेशल मिर्ची बड़ा बना है जो कि इन्होंने बनाया बढ़िया, और ये और बना रही है पकोड़े मेरे ख्याल से है ना, पालक के पकोड़े हैं अच्छे बना रही है मिर्ची बड़ा। तो ये भी तुमने आपने बनाया क्या वाला भी? और ये है मम्मी के छोले, देखो ये बना रही है इन्ना के पकोड़े, मम्मी के छोले, और अभी मम्मी निकम निन्ना बना रही है और मम्मी भी बना रही है। थोड़ा समझो बातों को यार, समझो। सबसे अच्छे भाई मुझे ये लगा है, पता नहीं रोजे की वजह से लग रहे हैं ये अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे बने भी हैं, वो तो खाने के बाद ही पता लगेगा। ये हमारी इफ्तारी वाली टीम, ये देखो आप ये सब लोग अलग से इफ्तारी काट रहे हैं। ये लो एक इफ्तारी यहाँ से आ गई, कौन लेके आया? अच्छा लो पी खोल लो यहीं पर ही, दिखाओ सारा क्या भेजा। भुजिया आ गई सामने, नहीं लड्डू भी आया, ये हम दोनों का आधा था।
मम्मी चटनी लेके आ गई। छह सात प्लेट बनी हमारी आज यहाँ पे तारी। इसका पूरा डिपार्टमेंट अप्पी के हाथों के अंदर है। अप्पी काट रही सारी चीज। फटाफट करो यास्मीन। जी मम्मा। देखो भाई ये स्पेशल इफ्तारी है क्योंकि टोंक से आई है हमारे यहाँ पे जो जीना बाजी है उन्होंने भेजी है। देखो ये पूरी भर के तो बहुत टेस्टी होती है। इसमें सारी नमकीन मिली हुई होती है और दाने मिले हुए होते हैं तो इसको आज अपन टेस्ट करते हैं। कलरफुल इसमें दाने हैं ना इसलिए ये टोंक से आई है स्पेशली और लिटरली बहुत अच्छी होती है टेस्ट के अंदर बहुत प्यारी होती है। ये जीना बाजी ने भेजी है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जीना बाजी अली भाई का दोनों का। चलो बहुत है ना चार प्लेट लगा लेते हैं अभी चला लो सारी बात अच्छी। فتلك مظاهر لا 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 نحتاج ये देखो भाई निन्ना की लहर दौड़ पड़ी है। तटासट पकोड़े वकोड़े गुलगुले क्या ही कोफ्ते हैं कोफ्ते भाई कोफ्ते हैं और ये ना अपने मिर्ची बड़ा सब बन गया आज। लेकिन एक बात तो है घर में चेचे जा रहे क्या हो गया क्या बात हो गई उधम हो गया घर के अंदर चेचे पेपे ये देखो भाई ये स्टार्ट हो गया हमारा दस्तरखान सजना। ये है अम्मी और शिजा सबसे प्यारी बच्ची हमारे को ये ना शिजा है। ये रोती नहीं है बिल्कुल भी बिल्कुल शांत बैठती है। सबसे तेज है ये अदीबा ये अभी रो रही है चिंचनी है अद्दू नहीं नहीं अद्दू कोई शैतान नहीं है अद्दू वो शैतान है। चलो भाई सारे बच्चे आ चुके हैं तो ये तो होना लाजमी है। खैर छः छः पेपे तो आपको आएगी आज के ब्लॉग के अंदर कोई बात नहीं करना होगा। लाइए कहाँ से आए आप शाहिद भाई से ओके। ये लो भाई एक और पड़ोसी से इफ्तारी आ चुकी है हमारी मम्मी ये लो एक और आ गई वहीं रख लूँ क्या चलो भाई वहीं रखते ये लो आसमिन यहीं पे निकाल लो। ये देखो भाई कितना बढ़िया अभी सीन हुआ है। मैंने उस बच्चे को बुलाया था इफ्तारी के लिए देखो ये दोनों बच्चे आ गए। तुम भी खाओगे क्या ये ला दो कुछ ला पापे ले आओ यार जाओ इनके लिए भी लेके आओ पापे। तो ये इफ्तारी हम इनको दे तो दें लेकिन आई डोंट नो ये खाएंगे या नहीं खाएंगे तो इनके लिए हम इनके लिए पापे मंगा रहे हैं अलग से और ये इफ्तारी हम उस बच्चे को देने वाले हैं। ये रहे हमारे इन दो बच्चों के लिए पापे नहीं डालो ये हमारी चिकन जी فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بمالا हाँ जी। तो हमारी जो लास्ट जो मैं आपकी बात रह गई थी पहले मैं बता देती हूँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैं आपको सामने से भी दिखा दूंगी मैं कैसी लग रही हूँ आज मैं रेडी हुई हूँ। जैसा कि मैं लास्ट में आपको बता रही थी हमारे यहाँ पर ईदी आती है और शादी के बाद लड़की की जो पहली ईदी होती है
ईद होती है उसके लिए मायके से उसके बहुत सारा, जैसे सिंजारा में सारा सामान आता है, वैसे हम लोगों के ईदी में माशाल्लाह से बहुत सारा सामान आता है। और ये एक अलग तरह की खुशी होती है कि आपके लिए ईद का सामान इस बार आपके मायके से आएगा। चलिए बातें बहुत हो गई, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, मुझे नीचे जाना है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। एक बार आपको फ्रंट व्यू दिखाती हूँ, वैसे आप ऐसे भी देख सकते हो, मैंने ये सूट लिया था, ये कलर मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, वैसे बिस्किट कलर कहते हैं इसको, झुमकियाँ मैंने पहन ली ऑलरेडी और बाकी कुछ नहीं, चूड़ा मेरा जो पहनती हूँ मैं वही है। और एक बार मैं फ्रंट व्यू दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है। हाँ जी, तो ये मेरा फ्रंट लुक है, ये मैंने नायरा कट पहना है आज, मतलब पता नहीं दुनिया पहन पहन के छोड़ चुकी है, मैं अब पहन रही हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। हाँ ऐसा तो ये मैंने सूट पहना है, इसके अब नीचे पैंट्स हैं और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सिंपल सोबर सा सूट है इतनी गर्मियों में, तो ये सबसे अच्छा सूट है। अब मैं नीचे जाती हूँ, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नीचे। चलिए दोस्तों, आज का प्रोग्राम पूरा हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। सबने खा लिया है, बस यास्मीन और मैंने नहीं खाया है, तो मम्मी नहारी गर्म कर रही हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और देखते हैं कि मम्मी की जो पूरे दिन की मेहनत है आज खाना बनाने वाली, वो कैसी है भाई, किस तरह की हमारी आज नहारी बनी है, तो वो टेस्ट करके आपको बताते हैं कि भाई कैसी बनी है। ये रही हमारी गर्मा गर्म नहारी मम्मी के हाथों की, और ये मस्त तंदूर की रोटी, और यह है हमारा फ्रूट क्रीम, इज इट फ्रूट कस्टर्ड, फ्रूट क्रीम एक ही बात है। तो ये देखो भाई, बहुत अच्छा मम्मी ने खाना बनाया है, बाकी आप टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा बनाए। मम्मी आप भी खाओगी खाना? खा लिया आपने? आप दोनों खाओ। कैसे लगी आपको आपकी खुद की बनाई हुई नहारी? वो टेस्टी है, आप बताओ खा के। चलो बताते हैं अभी, जब पता चलेगा सही है कि नहीं। ठीक है नहारी का असली मजा इस मेकअप। भाई मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सुभान अल्लाह, अच्छी बनी ना, सुभान अल्लाह। बताओ आपकी कैसी बनी है? बहुत ही अच्छी बनी, बहुत टेस्टी। खा तो लो पहले, पहले चख चुकी थी एक मिनट। आप पीने खा लिया पहले? वो अपने साथ फिर से बैठ गई इसलिए। नहीं सच में बहुत टेस्टी बनी है यार ये। नहीं बहुत, ये तो मैंने खा लिया, अच्छी लग रही है। अब ये लास्ट में खाएंगे हम लोग, फिर बताएंगे आपको बाद में।